नमस्कार, दुर्गम ओडिशा सह मु कमलाकांत। प्रथम नजर पकाइबा कौन रही वर्तमान हेडलाइंस। ततला बाली रे चाली चाली आणुछंती पानी, फ्लोराइड पानी पीबारु व्यापुछि किडनी रोग। कलाहांडी धर्मगढ़वासी शोष मेंटाइबाकु संघर्ष। पांच हजार फुट उपरे पानी प्रतारणा। बंडा घाटी रो 12,000 अधिवासी कथा बुझुनी प्रशासन। योजना नुहे, झरणा मेंटाउछि शोष। केन्दुपत्र तोलाली कष्ट, महंगा दुनिया रे मिलूनी पारिश्रमिक। सरकार को स्कीम रु सुविधा होइछि सात सपन। नुआपड़ारु देखिबा रिपोर्ट। ईश्वर भरोसार ईश्वर नरसिंह परिवार रो खुशी लागिछि ग्रहण। पाठ पढ़ा रास्तार बाधा साजिछि रोग, चिकित्सा पाई काम आसुनी राज्य सरकार को विजु स्वास्थ्य कार्ड। एवं झीर चिकित्सा पाई बापार आकुल निवेदन। जीवन सह संग्राम करुछंती सुवर्णपुर प्रभासिनी। बयस बढ़िबा सह कमुछि ओजन। एबे संपूर्ण खबर। मुंड उपरे खरा आ पाद तले ततला बाली। पानी पाई 1.5 किलोमीटर जाए चली चली यात्रा। चिंता कले भी कष्ट लागुछि, किंतु सेमानक पाई एहा नीतिदिनिया कथा। खरारे गला सुखी जाउछि, पानी टोपाई पाई पचारिबाकु भी केहि नाहांति। आज मैं आपनकु एमिते एक गाँव को नेइ जिबु जेउठी फ्लोराइड पानी पी लोके किडनी रोग रे पडुछंति। एहा सह अनेक आक्रांतकर जीवन भी जाई सारिछि। मुंड उपरे खरा ताती आउ पाद तले ततला बाली। पानी पाई 1.5 किमी चली चली यात्रा। चिंता कले भी कष्ट लागुछि, हेले एमानक पाई नीतिदिनिया। सुखी जाउछि गळा, पानी टोपाई पाई पचारिबाकु केही नाही। आमे कहुछु कलाहांडी जिला धर्मगढ़ ब्लक टीपीगुड़ा पंचायतर भिरकापड़ा ग्रामर कथा। प्राय 350 रु ऊर्ध परिवार एही ग्रामरे बसवास करती। गाँव में नलकूप गुड़िकर फ्लोराइड पानी बाहर थवारु अनेक एबे किडनी रोग से आक्रांत हो मृत्युवरण करथिबा अभियोग होइछि। तेबे एबे मध्य 50 रु ऊर्ध किडनी रोग से आक्रांत होइछन्ती। गाँव में पीवा पानी उपयुक्त नथिबारु दीर्घ 2 किलोमीटर चली चली अन्य गाँव रु पीवा पानी आणुथुबा देखिबाकु मिलिछि। किडनी पेशेंट आर मोर भलिया आर भी अन्य किछि लोक अछन, किछि नि हेले भी 15-20 जन अछन। आर आमर गाँव रे एते पेशेंट बाहरी छन जे किछि नि हेले भी 40-50 जन पेशेंट अछन। आरो मोर भलिया लोक 3-4टा मरी गलेन। आर आमरु आर अधिक वयस्कार तो 5-10टा मलेन। एंती कर 15-20टा आमर गाँव रे मलेन। हेले आमे सरकार पाखे नदीर पानी लागि आमे कहुछु जे सरकार आमके नदीर पानी जोगे दियन बोली कर कहलु। तो वाटर सप्लाई लागि सेटा टैंक देले, जे टैंक देले जे नदीर पानी बोली कहले। जते बेले एस्टिमेट हला नदीर पानी बोली कहले, तो नदीर पानी नी दी करे एबे इन बावड़ी कोली करी से बावड़ी पानी सप्लाई करबू बोली कहुछु। पानी नलकुआ पानी खाई खाई तो आज्ञा 40-50 जन मलि गने जे आमे सरकार के बेलु भल पानी दियो, भल पानी दियो बेला के आमर ये लोगे कुआ कोड़ी करी आमर लेंच के आमर नाके कुछ कुछ के। आर सरकार कोड़े थरीटा रोड फटाबा लगे धई आछे जे आमे गांर लोग नै बोलु छु। किडनी फेलोर होचे जे आज्ञा आमे ई लगर पानी के नोचकुआ पानी नि कहू बोली करी आमे समस्त कहू छु। आमर ई पानी तो ई घर तोरा तोरा आमे बुलु छु, पानी लगे आमके असुविधा नै। आमके बोलु छु सरकार के पानी दियो, पानी देबा लगे से बोलछे ई लगर कुआ कोड़ी करी ई लगे पानी दउछि। हेते हे पानी के आमके मन नि करबार आमर आरो आमे नि बोलु छु। मुई तो काई काई धुर के कोन मोर कन्या के बुलाली थरा वाल्टर तुम भुवनेश्वर इटा बुली देख ली नहीं काम दला। धर्मगढ़ तो नहीं काम दला ना मुले भी आमर लोग डॉक्टर बुली बुली हरी जी को बड़ बड़ मेडिकल फोन नहीं देख ली। एबे से रिपोर्ट भी रखीचे मात्र कहीं करब नहीं आखिरी के से भी चली गला। एबे पानी लगे आमके नई पैंट दौचे कुआर पैंट आम व्यवहार नहीं करूँ बोलिक कह आजा आम इटा भोट दवा बेले कसी कर नौ आर पानी दवा बेले नहीं ना। अन्यपटे दीर्घ वर्ष हेबो गाँव में लोके किडनी रोग से आक्रांत हो मृत्युवरण करुवा बेले एने समस्त सरकारी अधिकारी जनईले सुधा कौन सुफल मिलून अभियोग होते। निर्वाचन आसे से नेता माने गाँव को आसी विभिन्न प्रतिश्रुति दिखती। निर्वाचन सरीगला पर नेता देखा न थाए, जो अवस्था थे से ही अवस्था रहाक पड़े बोली जनसाधारण अभियोग करते। तेज आगामी दिन में एमती परिस्थिति लगि रहे तेज ग्रामवासी निर्वाचन समय भोट बर्जन करने को चेतावनी।
एने आम धर्मगढ़ उपखंड स्वास्थ्य अधिकारी को जोगाजोग करिबारु नळकूप पानी खराब अछि बोली कहिसथि। आम सीडीएम निर्देश क्रमे आम से गाँव को इन्स्पेक्शन को जाइलु एवं डिटेल देखला परे आम जानलु जे जलर असुविधा प्लस लोक मानकर जो बारंबार डाइक्लोफेना इंजेक्शन नहीं जाऊँगी से अधिक मात्रा आक्रांत होती पानी जलर पर्याप्त सुविधा ना जो दुईट ट्यूबवेल अच्छी से नन फंक्शनाल कहे चले पोखरी पा यूज कर एवं टिके टिके किसी असुविधा हमें डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन क्वार मान द्वारा नौ डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन बटिकार बहुत व्यवहार कले किडनी तार बहुत प्रेसर पड़े से हूँ तो आक्रांत हो प्रत्येक को पानी जोगाइबाई होती वसुधा योजना मात्र लोके पानी राज्य सरकार घरे घरे विशुद्ध पानी जल जोगाण नहीं डिंडीम पिटुता बेले कलाहांडी जिला भरकापड़ा गाँवर जल कष्ट बखाणुची बास्तव चित्र। धर्मगढ़ चंद्रध्वज लहजल रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बंडा घाटी रे पानी पाई हाहाकार 32 गाँव प्राय 12,000 अधिवासी कथा प्रशासन शुणुनी केन्द्रु टंका आसुची किंतु लोकों पाखे पहुँच पारनी विशुद्ध पानी जल कहिले केवल झरणा पानी उपरे भरसा एठी राज्य सरकार को पानी रो प्रचार तो पहुँची किंतु पानी पहुँच पारनी। समुद्र पतन ठारु प्राय 5,000 फुट रे रहिची बंडा घाटी। बंडा घाटी रे रहिची दुईटी पंचायत जथा मुडलीपड़ा और अंडराहाल एही दुईटी पंचायत रे रहिची 32 ग्राम 12,000 रु ऊर्ध लोक बसवास करुछंती। दुईटी पंचायत रो विकास पई राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ठारु कोटि कोटि टंका अनुदान आसुची किंतु एही टंका सठिक भाबे कार्यकारी करा जाउ नाही जहा फळरे विकास होई पारु नाही लोक एबे भी दुर्दशा रे दिन काटुछंती। वर्ष वर्ष धरी बंडा जनजाति झरणा पानी उपरे निर्भर करी आसुछंती खरा हेउ बा वर्षा सब समय रे झरणा पानी पिउछंती। नै पानी पीले बोल जे हेले आनबा पई दूर होबो एथि दुख सुख हेले आनबा पई दूर होबो एथि रात्रि बेले आइले तो बोल एते कष्ट डरे डरे कि ना आमे पानी आनबा पई दि लख तीन लख एथि मिसि कर आइबो हेले गोड लख त बेसी दूर डर लागबो सर पानी आनबा पई एथि पानी आका से बोरिंग ला नै तीनटा बोरिंग दे लाग कि नै फिर कोन खराब हो जाय छे पाखरे नै सर ए दूर दूर अछि पाखरे नै दूर दूर अछि आरे दूर पई जाय छ फरब नै ने डर डर म वर्षा दिन रे झरणा पानी दूषित हेले मध्य कोनोसि विकल्प नै दूषित पानी पिउतिबा हेतु नाना प्रकार रोग रे शिकार हो जंती किंतु एथि प्रति प्रशासन न दृष्टि नै केतक ग्राम रे नामक मात्र गोटे दुईट नलकूप या लोकों काम आसुनी एमती केतक अंचल अच्छी जोटि की गोटे हेले नलकूप ना वर्ष वर्ष धरी झरणा पा मेटुची शोष जान लग लग बाग डगरी लग बुढ़ी लग कि बुढ़ी लग ए बालू बाला एसाब सीसा न जाना ये पानी पाइबार ए डगरी लग बुढ़ी लग उड़ा लग ए डगरी डगरा लग आम डुखर सुखर लग बंडा घाटी रे आमर जो ट्यूबवेल मरामती एबे चली मोबाइल भ्यान बुलुची आउ डेली आमे पठाऊ डिफरेंट विलेजेस को सेठी रिपेयर मेंटेनेंस चलची ता सहित तार जहाँ पाइप वाटर सप्लायर स्कीम अच्छी तार भी रिपेयर मेंटेनेंस चलची एवं न्यू ट्यूबवेल्स भी आमे सिंक करिया पाई भी प्रपोजाल सब देचु से गुड़ा भी सिंक हम लास्ट इयर जमती मैसिव स्केल रे हेतला अंडराहाल पंचायत पई ए वर्ष भी से भले आमे प्लान करचु तबे प्रशासन बंडा जनजाति को केबे विशुद्ध पानी जगाई दिया जाउची ताहा देखिबा को बाकी रहिला। मालकानगिरी चित्रकोंडारु जगन्नाथ दलाई को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मिलुनी उचित पारिश्रमिक ना मिलुची अन्यान्य आनुषंगिक सुविधा सहयोग महंगा दुनिया रे परिवार प्रतिपोषण करिबा मुश्किल होई पड़ुछि हेले तांको कथा सुनिबा पई केहि नाहंती केमिति चलुछंती उपांत अंचल रे केन्दुपत्र तोलाली नुआपड़ा जिला रु देखिबा रिपोर्ट। सूर्य उदय पूर्वरु बाहरी पड़ंती जंगल को हाथरे थाए चांगुड़ा टोकेई 40 डिग्री रे केन्दुपत्र संग्रह रे व्यस्त हेले तथापि मिलुनी उचित पारिश्रमिक नुआपड़ा जिलार केन्दुपत्र तोलाली किए बुझिबो एमानक दुख केन्दुपत्र संग्रह करी पीड़ा करिथांती
42 पत्र जोड़ी गोटे गोटे बिड़ा करी सुखाई थांती। यहाँ परे एही फड़ी को नहीं बिक्री कले मिले 280 टंका। परिश्रम अनुसार पारिश्रमिक कम हो जाउची, ए कथा को कही अस्वीकार करिवे नहीं। आमे खूब पैसा नहीं पावर आज्ञा, आमके असुविधा होउसे। आमे सकाल जाऊसूँ, 12 बजे के आउसूँ, आसिक आर बांधुसूँ, बांधिक आर बिकी नेउसूँ। एटा तो दिन गुला चली जाऊसे, तो हेले भी 280 टंका दौसे, जितकी तो आम चली नहीं पार्बार। बोले आर सरकार आमके जह देता बोले भल होता, आम पिला छुआ भी चली पारते, इतकी तो आम चली नहीं पारूँ। 280 टंका मिलुछे, एले सुविधा नहीं न, बोले पैसा पतर भी कम दौछे, बोले छन पिला छुआ के भी पढ़ाऊ छन, बोले अभी सुविधा नहीं न, बोले टिके पैसा पतर भल किना देता बोले बने हेता, कि पढ़ा पारतूँ पिला छुआ के भी खाना पीना लगे भी व्यवस्था करतूँ। बोले गरीब लग जाऊ डर आड़के आर पतर टली किना आसुसूँ आर भूति करना खोसूँ गरीब लग। वन पहाड़ घेरार जीवन बीतुवा आदिवासी लघु वनजात द्रव्य उपरे निर्भर, जंगलिया अंचल काम करथिबारु जीवजंतु भय रही थाए। सेपटे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ केन्दु तोलाली को ओडिशा ठारु अधिक सुविधा मिलुथिबा अभियोग करिछन्ति केन्दु पत्र तोलाली। सामाजिक कल्याण योजन सरकार विभिन्न स्कीम घोषणा करुछन्ति सत, हेले कार्यकारी हेउनै बोली अभियोग करिछन्ति श्रमिक नेता जदुमणि पाणिग्राही। आम पतल टोली जाएसु सकाल ले आज्ञा, बर सकाल पतल टोली जाएसु। आम भाग बालू बिछी मेकरा सब के प्रकार आम डर लग्सी आज्ञा, जंतु मन के गोटा छिपा के भक्के ससे आम जाएसु पतल टोली। आम पतल टोली जाएसु सकाल जाएसु आज्ञा, आम 1 के आसूँ पतल टोली कर घर के, घर के आसे आज्ञा थी पैंट टी पीसु आज्ञा, आ फिर पतर बांधा लगे फिर भिड़सूँ, पतर बांधा लगे भिड़सूँ आज्ञा। आमके फिर बांधि नहीं सो आज्ञा, आमके सहायक नहीं देवा सरकार, आमके दौसे 280 टाँग दौचे सरकार, दौसे छत्तीसगढ़ से दौचे। घर कंपानी मान शोषण रक्षा करवार 1973 मसीह सरकार सरकारीकरण करते, कि दुखर कथा आज हिसाब कले देखा जाए ओडिशा सरकार निजे बड़ शोषणकारी साजिश। आज केन्दुपत्र तोलाली सीजनाल स्टाफ और अन्यान्य सब श्रमिक वर्ग केन्दुपत्र जेने काम करुछन से जी मिलवार कथा नहीं मिली पार्बार। आम आशा कर 100% बोनस कम से कम तोलाली मान को मिलवा, माइंडर और सीजनाल स्टाफ को 20-25% इनसेंटिव बैलेंस मिलवा, किंतु मात्र 50% बोनस आउ 10% इनसेंटिव बैलेंस घोषणा कर। केन्दुपत्र तोलाली को कहीं राज्य सरकार कौन देखा, महंगा दुनिया में कम पैसा केमी चल पर। नुआपड़ा जिलेरु युधिष्ठिर पटेल को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एक दुखद खबर आसी पहुँचुची रजत कर आम गहन आउ ना, रजत कुमार कर जड़े ओडिया शिक्षाविद नाट्यकार और जगन्नाथ संस्कृतिर प्रवक्ता। दीर्घ 60 वर्ष धरी से टीवी एवं रेडियो रे रथजात्रार धारा बरणी प्रदान करी प्रत्येक ओडिया एवं ओडिशावासी एवं जगन्नाथ प्रेमी मनरे एक स्वतंत्र स्थान तैयारी करते। उभय ओडिया एवं इंग्राजी भाषा जड़े सुवक्ता भाव में ख्याति रही। तो एक दुखद खबर आसी पहुँचुची आम गण से आउ ना, पद्मश्री रजत कुमार कर जड़े ओडिया शिक्षाविद नाट्यकार एवं जगन्नाथ संस्कृति प्रवक्ता भाव में ख्याति रही। 2021 मसीह पद्मश्री पुरस्कार पुरस्कृत केवल शिक्षाविद नुहंती नाट्यकार जगन्नाथ संस्कृति प्रवक्ता एवं दीर्घ 60 वर्ष धरी से टीवी एवं रेडियो रे रथजात्रार धारा बरणी प्रदान कर ओडिशार जनमानस एक स्वतंत्र स्थान तैयारी कर सक्षम होते। 2021 पद्मश्री पुरस्कार दि जाता। रजतकर 1934 अक्टोबर 2 तारीख कटक जिले में जन्मग्रहण करते। रेभेन्सा कलेज स्कूल छात्र थे और पर अर्थनीति स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करते। तो दुखद खबर आसी पहुँचुची पद्मश्री रजत कुमार कर आम गहन से आउ ना, 2021 पद्मश्री पुरस्कार पुरस्कृत कर 1934 मसीह अक्टोबर 2 तारीख में कटक जिले में जन्मग्रहण हुए। जदि देखा 60 वर्ष अधिक समय धरी टीवी और रेडियो रे स्वर आम शुणीछे रथजात्रा होणसी धार्मिक कार्यक्रम स्वर ओडिशावासी एक निरा स्वर थी निरा परिचय। तो आम गहन से आउ ना डॉक्टर एवं पद्मश्री रजत कुमार कर।
जगन्नाथ धर्म एवं रीतिनीति को नहीं से अनेक साहित्य रचना करछन्ति। जनजीवनर जगन्नाथ अनन्य जगन्नाथ अनुभूति अंधपुटुली चंदन हजूर जनाण जनाऊँ जगन्नाथ को यह अनेक किसी रचना कालजयी रखी। रजत कर जड़े शिक्षाविद भाव में ओडिशा सरकार शिक्षा विभाग में दीर्घ दिन धरी काम करते से टीवी एवं रेडियो रथयात्रार धारा बरणी प्रदान करती अनेक कार्यक्रम देखापी मिलता है। जदि देखा ओडिशावासी मनरे एक निरा परिचय थिला निरा स्वर तक रही है। पद्मश्री 2021 रामचंद्र मिश्र नाटक सम्मान ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार ओडिया साहित्य एकाडेमी संवर्धना गोदावरीश मिश्र सम्मान एमती अनेक सम्मान मिली। जो स्वर रही कौन परिचय आवश्यकता नाला स्वर जितेबले शुणा जाता से रेडियो हो बा टेलीविजन प्रत्येक ओडिशावासी चिन्ह पारे से ही बोधहुए परिचय था कि दुखर सह कह पड़ी। डॉक्टर एवं पद्मश्री रजत कुमार कर आम गहन आहांती भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल परलोक हो जाए। जड़े शिक्षाविद नाट्यकार और सबुठ बड़ कथा जगन्नाथ संस्कृतिर प्रवक्ता भाव में सुख्याति रही से दीर्घ 60 वर्ष धरी टीवी एवं रेडियो रे रथयात्रार धारा बरणी प्रदान करते आपण माने निहाती भाव में रथयात्रार धारा बरणी कथा आसब रजत कुमार करों कथा न आसब यह पारे ना। कटक जिले जन्म होता पद्मश्री पुरस्कार मिलता और अनेक पुरस्कार अधिकारी से केवल धारा बरणी कथा नुहे संस्कृतिर प्रवक्ता भाव नुहे नाट्यकार शिक्षाविद अनेक परिचय रही। 1934 मसीहा अक्टोबर 2 तारीख में कटक जिले जन्म होता भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल परलोक हो जाए। जगन्नाथ धर्म एवं रीतिनीति को लेकिन से अनेक साहित्य रचना करिछंती अनेक पुस्तक से रचना करिछंती। यदि पुरस्कार कथा देखा तेरे पद्मश्री 2021 रामचंद्र मिश्र नाटक सम्मान 2009 ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार ओडिशा साहित्य एकाडेमी संवर्धना 2017 2011 गोदावरीश मिश्र सम्मान। दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी सारी अधिक आलोचना करने दिव्यज्योति देखा एक दुखद खबर पद्मश्री रजत कुमार कर आम गहन आती किसी सूचना मिल पार्टी के रोग से पीड़ित थे कारण जहाँ सूचना मिली से दीर्घ दिन धरी किसी रोग में पीड़ित थे। देखंतु कमलाकांत निश्चित भाव में बड़ दुखद खबर समग्र ओडिया जाति निहत भाव में पद्मश्री रजत कर जी ओडिया साहित्य संस्कृति प्रति गोटे बड़ अवदान जहां रही आज भुवनेश्वर स्थित एक घर हस्पिटाल हृदघात देहांत होबर आँचे निहत भाव में जहां समस्त ओडिया जाति गोटे बड़ दुखद घटना दुखद खबर आम कहीपर आम आज से एक महान व्यक्ति को हरचे जहां कहीपर जो व्यक्ति को आम आईपर ना एवं तर अपूरण क्षति निहत भाव में ओडिया जाति गोटे बड़ शून्य स्थान पूरण कर जो कथा आलोचना करे जितेबले से पद्मश्री पाई जो ट्वीट थिला से ट्वीट निश्चय गोटे भावपूर्ण ट्वीट थिला से ट्वीट से कही भाव जगन्नाथ को से समर्पण कर समग्र ओडिया जाति को निजर जो कहीपर ये पद्मश्री समर्पण कर ट्वीट दर्शाई थे सहित अनेक गुड़े कहीपर जो ओडिया साहित्य संस्कृति प्रति अवदान रही किभली ओडिया साहित्य संस्कृति आग को बढ़ देश विदेश में ना कर सब से कहीपर रिसर्च चल विभिन्न समय आपको देखिए विभिन्न गणमाध्यम हो विभिन्न स्थान से ओडिया साहित्य संस्कृति किभली आग को बढ़ से नहीं अनेक जगह आलोचना करभिन्न समय विभिन्न टीवी पर्दार देखा जाए एभली जन बाग्मी पुरुष को आम हरचे जहां कहीपर यही आवर्तमान निहती भाव में आम पाई समस्त गोटे बड़ अपूर्ण क्षति आम कहीपर निहाती दिव्यज देखा स्वर एक निरा परिचय था जदि किए शुणुला स्वर तक ना जे रजत कर एक कथा से जानी पारुला तबे जदि ओडिया साहित्य संस्कृति कथा कह जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार में तक अवदान तो अतुलनीय निहाती भाव में तेरे भली जड़े व्यक्तित्व आउ मिल कष्ट जिते आम जगन्नाथ संस्कृति विषय आलोचना करे जगन्नाथ संस्कृतिर प्रवेश मान कथा हुए से समय रजत कर ना प्रथम आसे जी जगन्नाथ संस्कृति को अति निकट रू पढ़ी जगन्नाथ संस्कृति विषय गवेषणा बहुत कहीपर भीतर स्तर पर्यटन
ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁରା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ, ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିତର୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଜତଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବ ଆମେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଉ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଯିବ। ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କହିପାରିବା ଅବଦାନ ଥିଲା, ସେଇଭଳି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଏହା ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନିହାତି ଦିବ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ରଥଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲେ, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରା ବିବରଣୀ, ଖାସ କରିକି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି, ତାକୁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବେନି ବା ଦେଖିପାରିବେନି। ଯେଉଁ କିଛି ହାତ ଗଣତି ଭାଷ୍ୟକାର ରହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ କହିପାରିବା ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଭାଷ୍ୟକାର ହିସାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ରଜତପୁର ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସେତିକି ବଢିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ରଜତଙ୍କ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟକାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ଧାରା ବିବରଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କହିପାରିବା ରଥଯାତ୍ରା ଘୋଷଯାତ୍ରା ରହିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କେଉଁନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିକୁ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ମନେ ପଡିବ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରଜତଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ଧାରା ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ କହିପାରିବା ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯାହା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ସେ ଆମ ଗଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଅପୂରଣ କ୍ଷତି ଘଟିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ହରେଇଛି, ଏ ଯୋଉ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୃଦଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ, ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଏଭଳି କିଛି ଦିବ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ରବି ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଦୁଃଖଦ ଖବର ରଜତ କୁମାରଙ୍କର, ଆପଣ ବି ସେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ସେ ରଜତ କୁମାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଖାଲି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଣେ ଗବେଷକ, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଇଏ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ମୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଭିଷେକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷଣା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ବରାବର ସେ କେବେ ଏଥିରୁ ପଛକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କରି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଖୋଜାଯାଏ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ, କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଦେଲେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ରଜତକର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନାମ ଅଛି। ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅପକୃତଙ୍କର ବହୁ ଭାବରେ ମାନେ ବହୁବିଧ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତା ଆଦର୍ଶୀ ଜଣେ। ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନକୁ ତ ହରେଇଲା। ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଏଇ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେନି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇଭଳି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ରବି ଦାସ ହୋଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଦୁଃଖଦ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ରଜତଙ୍କର ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।